आज के इस बैठक में। नमस्कार दोस्तों, आप 2024 में डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2024 में बहुत ही अधिक धनवान होने जा रहे हैं। जो लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं, विशेषकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो अच्छा से मेरी बातों को समझ जाएंगे। जो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग कभी मेरी इस रिसर्च को बिलीव नहीं करेंगे। मैं अपने चैनल में ये वीडियो को डाल रहा हूँ ताकि विश्व के 60 मिलियन पायोनियर्स लोग जान जाएं कि वो लोग 31 दिसंबर 2024 को विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। अगर ये बात 31 दिसंबर को साबित नहीं हुआ तो मैं पाई नेटवर्क का जितने क्वाइन हैं उसको मैं नष्ट कर दूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाई बिटकॉइन को टक्कर दे रहा है। बिटकॉइन 2009 में आया था, जब वो आया था तो उसका कीमत उस समय कुछ भी नहीं था, जीरो था। लोग इंटरनेशनली, भारत में तो नहीं लेकिन इंटरनेशनली, लोग उसको गेम खेलने के लिए यूज किया करते थे। 2008-09 के बीच में लोग, जैसे हम बच्चों को आप देखिएगा कि गेम खेलते समय कुछ क्वाइन रहता है, उसे हम हार जाते हैं तो दूसरे प्रतिद्वंदी को हम क्वाइन को देते हैं, बच्चे देते हैं। उसी तरह बिटकॉइन 2008-09 में आया तो बच्चे, विशेषकर उस समय हम लोग बहुत शाना नहीं थे, हम लोग भी दिया करते थे, और जो लोग बिटकॉइन में काम किए हैं 2008-09 में, वो लोग भी दिया करते थे। उन्हें क्या पता था कि इसका मूल्य 2024 में 80 लाख हो जाएगा, किसी को नहीं पता था, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो बिटकॉइन का टक्कर देने के लिए ही पाई नेटवर्क का सृजन किया गया है। जो हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं हल्का सा। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल किया हुआ व्यक्ति हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद या और भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके बाद, वो पहला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लोग जाते हैं जो लोग विश्व का सबसे अधिक बड़ा काम करके दिखाते हैं। हमारे रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फेसबुक के मालिक जुगरबर्ग भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उसी तरह भारत के कई ऐसे हैं, हमारे आई थिंक राहुल गांधी जी भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई लिखाई किए हैं। हमारे विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और आज विश्व स्तर पर उनका नाम रोशन है। तो उसी यूनिवर्सिटी से हमारे पाई नेटवर्क के कोर टीम के संस्थापक डॉक्टर निकोलस भी पढ़े हैं और वो विश्व स्तर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं जिसका नाम है पाई नेटवर्क। पूरे विश्व के लोग, 60 मिलियन लोग पागल की तरह इस प्लेटफॉर्म में 2019 से लेकर अभी तक कुछ मिला नहीं है। इसका मूल्य अभी भी है, बिटकॉइन की तरह जीरो नहीं है, इसका मूल्य है, अभी भी है, लेकिन इनडायरेक्टली है। लोग इसका मूल्य रखे हैं, मेन अभी एक्सचेंज में आया ही नहीं है और इसका लेन देन शुरू हो गया है। 3,14,159 डॉलर में लोग जो है बेस बनाकर रोजमर्रा के जिंदगी में जो चीजें चाहिए होता है उसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। भारत में भले ना हो लेकिन विश्व के 251 देशों में इसका जीसीवी प्राइस 3,14,159 डॉलर अर्थात 2.5 करोड़ रुपए को बेस बनाकर लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, मछली खरीद रहे हैं, अंडा खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीजों की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। बीते महीना, आज से 15 दिन पहले एक ट्रांजेक्शन हुआ 0.50 के बाद 77 डॉलर पर मोबाइल का पहला रिचार्ज पाई क्वाइन से हुआ। ये माइलस्टोन है, स्टार्ट हो गया। तो 0.000077 पाई से रिचार्ज हुआ है, इसका मतलब इसका असली एक पाई का मूल्य कितना होगा, $2, उसका मतलब $2 होता है। तो आपको हिसाब लगाना होगा कि अभी जो ट्रांजेक्शन पाई का हो रहा है उसका मूल्य थोड़ा नहीं है, जबकि अभी मेन नेट में लॉन्च ही नहीं हुआ है,
मतलब मुख्य एक्सचेंज में नहीं आया है। क्रिप्टो करेंसी का मुख्य एक्सचेंज है बाइनेंस, OKX, वजीरेक्स, जेपे, दुनिया भर का एक्सचेंजेस है, उसमें अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है। इसके बावजूद इसका मूल्य को हमारे पायनियर्स जो 60 लाख इन्वॉल्व है इसमें, वो लोग एक हाइप बना दिए हैं कि इसका मूल्य जिस दिन भी लॉन्च होगा वो बहुत हैवी अमाउंट में होगा और बिटकॉइन से ज्यादा रहेगा। ये तो डेफिनेट है, बिटकॉइन में कई डिमेरिट्स है और बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में अमीरों के पास केवल है, गरीबों के पास एक भी बिटकॉइन नहीं है। वो एलन मस्क के पास हो सकता है, हमारे देश के अमिताभ बच्चन जी के पास हो सकता है, रिलायंस के मालिक चुपके से रखे होंगे बिटकॉइन को, उनका बेटा भी रखे होंगे, या जितने हमारे देश के कंपनियां हैं वो सब रखे होंगे बिटकॉइन को, लेकिन वो एक्सपोज नहीं करते हैं, बताते नहीं है कि हमारे पास भी बिटकॉइन है। क्यों बताएंगे धन संपत्ति के बारे में, वो लोग चुपके से रखे हैं, जैसा कि एलन मस्क रखे हैं, बाइनेंस के CEO रखे हैं, चीन के प्राइम मिनिस्टर रखे हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री रखे हैं, यहाँ तक कि हमारे रशिया के प्रेसिडेंट रखे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट रखे हैं, इधर सऊदी अरबिया के जितने राजाएं हैं वो लोग रखे हैं, जो लोग तेल बेचते हैं, तेल बेचकर अमीर बने हैं, और लोग बिटकॉइन के रूप में अपने धन को संरक्षित करके रखे हैं, सेफ करके रखे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में उनका जीवन फाइनेंशियली डैमेज ना हो। बैंकों पर ये लोग विश्वास करना बंद कर रहे हैं, ये तो तय है आने वाले समय में बैंकों का जिस तरह से क्रियाकलाप हो रहे हैं उसका पतन होगा ही होगा, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, बड़ा खुशखबरी बताऊंगा कि पाई क्वाइन का वैल्यू $3,14,159 क्यों होगा। इस तरह का वीडियो किसी ने नहीं बनाया, इंटरनेशनली भी नहीं बनाया, भारत में तो लोग इसके विषय में जानते ही नहीं, जो लोग यूट्यूबर हैं मीडिया में डालते हैं, कोई कहता है $1 होगा इसका वैल्यू, कोई कहता है $10 होगा, कोई कहता है $20 होगा, कोई कहता है $50 होगा, कोई कहता है $314 होगा जिस दिन लॉन्च होगा, लेकिन मैं दावा ठोक के कह रहा हूं कि इसका वैल्यू $3,14,159 होगा ही होगा। अब क्यों होगा इस पर मैं अपना रिसर्च, अपना शोध दे रहा हूं, शोध का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं, थीसिस दे रहा हूं, मैंने शोध किया है पिछले 5 साल के अंदर बिना प्रोफेसर का, बिकॉज आई एम ए प्रोफेसर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द रिसर्च। तो क्यों होगा इसका मूल्य जो है 2.5 करोड़, एक पाई का कीमत 2.5 करोड़ क्यों होगा, दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। हम जानते हैं कि पाई का टोटल क्वाइन सप्लाई है 500 बिलियन, 500 बिलियन में 50% से कम 2019 से लेकर 2024 के बीच में माइनिंग हो गया है, मतलब लोगों के हाथों में आ गया है, लेकिन 50% मतलब 2.5 बिलियन क्वाइन अभी भी माइन करना बाकी है, 2.5 मिलियन माइनिंग हो गया है और 2.5 बिलियन अभी बाकी है, जो सौ साल हजारों साल लगेगा 2.5 बिलियन को माइनिंग करने के लिए। तो मान लीजिए 2.5 बिलियन माइनिंग हो चुका है और 2.5 बिलियन में माइनिंग तो हो गया, सभी लोगों के वैलेट में है, लेकिन 2.5 बिलियन में भी 80% फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट, अच्छा से आप बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं तो अच्छा से जानते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, 80% मतलब 2.5 का 80%, आप कैलकुलेशन करके निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, 2.5 का 80%, 250 का 80%, मतलब 200 पाई क्वाइन अभी फिक्स डिपॉजिट है, बचा कितना 50 बिलियन क्वाइन केवल मार्केट के में आने लायक है, ठीक है, 50 बिलियन आएगा मार्केट में एक्सचेंज में, जब भी लिस्टिंग होगा तो 50 बिलियन के लगभग ही होगा, और धीरे धीरे जिसका जो लॉक्ड अप पीरियड है या फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं उनका अलग अलग डेटों पर जो है रिलीज होगा, मतलब खुलेगा, तो तब तक ये जो 50 बिलियन क्वाइन है उसका वैल्यू $3,14,159 ही रहेगा। और लोग इसमें दो तरह से एक्सचेंज करेंगे, एक वो लोग एक्सचेंज करेंगे इकोसिस्टम जो इसका बना हुआ है उससे। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप पाई क्वाइन का से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप पाई क्वाइन से क्या अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं अथवा नहीं, यह है इकोसिस्टम का सवाल। तो इसमें जवाब है हाँ आप खरीद सकते हैं, आपको चावल चाहिए आप पाई दीजिए आपके घर में 10 किलो चावल, सोना चाहिए आप दीजिए पाई दीजिए
0.00 समथिंग पाई दीजिए, आपके घर में सोना हाजिर है। 0.2 पाई दीजिए, आपके घर में मर्सिडीज कार खड़ी है। तो इसका इकोसिस्टम ऑलरेडी तैयार है, 100 एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार है जो 31 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें खरीदारी से संबंधित एप्लीकेशन है, जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशन है, जिसमें फ्लाइट बुकिंग से संबंधित एप्लीकेशन है, जिसमें आपको कहीं ट्रैवल करना है उससे संबंधित एप्लीकेशन है। पाई देके आप ट्रैवल कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने। तो इस तरह के 100 एप्लीकेशन ऑलरेडी तैयार है। ये हो गया पहला तरह का एक्सचेंज। लोग पाई देंगे, जरूरत के हिसाब से अपना सामान खरीदेंगे, उन्हें रुपया में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डॉलर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या यान में विश्व के जितने फिएट करेंसी है उसमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पाई देंगे चावल लेंगे, पाई देंगे दाल ले आएंगे, पाई देंगे जूता ले आएंगे, पाई देंगे मर्सिडीज कार ले आएंगे, पाई देंगे सोना ले आएंगे, पाई देंगे पेट्रोल डीजल खरीद के लाएंगे। पाई से आप कुवैत में जाइएगा, वहां से पेट्रोल खरीद के ले आएंगे, हमारे अंबानी जी लाएंगे या जो भी है उनके इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग ले आएंगे। ये इकोसिस्टम ऑलरेडी पाई नेटवर्क में तैयार है। ये हो गया पहला तरह का एक्सचेंज। दूसरा तरह का एक्सचेंज इसमें यह होगा कि जैसा कि बिटकॉइन को हम डायरेक्ट किसी दुकान में देके सामान नहीं खरीद सकते, यही है बिटकॉइन का सबसे बड़ा डिमेरिट, या किसी अन्य और भी क्रिप्टो करेंसी है उसका डिमेरिट, सभी क्रिप्टो करेंसी का डिमेरिट यही है कि हम बिटकॉइन देके या इथेरियम देके चावल नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क में हम पाई देके चावल खरीद सकते हैं, इसको उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, इसीलिए इसका क्रेज बन रहा है। ठीक है, अब बिटकॉइन से चावल नहीं खरीद सकते हैं, इथेरियम से चावल नहीं खरीद सकते हैं, आटा नहीं खरीद सकते हैं। तब दूसरा एक्सचेंज में जब लिस्टिंग होगा, जैसे बाइनेंस में, OKX में, या जितने भी वजीरेक्स में या जेपे में या जितने एक्सचेंजेस है वर्ल्ड में, बाइनेंस सबसे बड़े एक्सचेंज में गिने जाते हैं, वहां लिस्टिंग होगा, तो इसका जो कितना क्वाइन का लिस्टिंग होगा वेरी इंपॉर्टेंट। इसको साधारण भाषा में समझिए, 100 मान लीजिए कि टोटल सप्लाई जो है पाई का, टोटल सप्लाई है 100 पाई, ठीक है, चलिए 500 लेते हैं क्योंकि 500 बिलियन बताया गया है, तो 500 में से 250 को माइन कर लिया गया है, मतलब 250 क्वाइन दुनिया के 60 मिलियन लोगों के हाथ में चला गया है और 250 बचा हुआ है जो 1000 साल तक लोग माइनिंग करेंगे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, उनको कई वर्ष लगेगा ये 250 को माइनिंग करने के लिए। एक पाई को माइनिंग करने के लिए मोटा मोटी 10 साल लगेगा आने वाले समय में, इसको गांठ बांध के लिख लीजिए। अभी तो हम लोगों को एक पाई माइनिंग करने के लिए 1 महीना लग रहा है, लेकिन एक पाई को माइनिंग करने के लिए आपको 10 साल लगेंगे। अभी फ्री में है थोड़ा, अभी भी माइनिंग रेट बहुत घट गया और 31 दिसंबर के बाद और बहुत घट जाएगा, लोग इसको लेने के लिए तरसेंगे। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझिए, जैसे कि कुवैत, आप जानते हैं कि जितने भी अरबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया हुआ, कुवैत हुआ, इन सब देशों से हम दुनिया के विभिन्न देशों में तेल का सप्लाई होता है, am I right? भारत भी तेल का आयात जो है अरबियन कंट्रीज से करता है या रसिया से करता है, हमें पता है। अब जिस देश से तेल को हम आयात करते हैं, जो तेल का खदान होता है उसमें मान लीजिए कि 1000 बिलियन लीटर या मिलियन लीटर, मानी ये 1000 करोड़ लीटर तेल जो है जमीन के अंदर में है, तो एक महीना का जरूरत के हिसाब से ही ना वो तेल निकालेंगे। पूरा 1000 मिलियन या 1000 करोड़ का जो तेल उसके अंदर है उस सबके सब निकाल के एक दिन में थोड़ी बेचेंगे, वो लोग उतना ही निकालेंगे जितना कि दुनिया के लिए तेल की जरूरत है, और इकोनॉमिक्स को वो लोग बना, इकोनॉमिक्स रेट को बना के रखेंगे कि इस महीना हम लोग केवल 100 लाख लीटर बेचेंगे, अगला महीना 100 लाख लीटर बेचेंगे, फिर उसके बाद वाला महीना 100 लाख लीटर बेचेंगे। इस तरह से ये लोग जो तेल का रेट है उसको बनाए रखते हैं, ये नहीं कि जितना तेल उस खदान में है सबको निकाले और बेच दिए, इससे तो इकोनॉमिक्स डैमेज हो जाएगा, उसका रेट एकदम घट जाएगा एक ही बार, आप स्कैरसिटी नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स का नियम है कि स्कैरसिटी होना चाहिए, मतलब तेल बहुत कम मिल रहा है पूरे विश्व में, उस समय इसका कीमत बढ़ेगा। तो उसी तरह पाई ने एक ऐसा सिस्टम लाया है, पाई को एक तरह से आप तेल समझें, तेल है ना, 500
बिलियन लीटर तेल समझे, तभी आपको समझ में आएगा। उस 500 बिलियन लीटर तेल अभी जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और उसमें से 250 बिलियन लीटर को लोग अपने अपने लिए पहले से ही इकट्ठा कर लिए हैं। किसी ने 10 लीटर जमा कर रखा है, किसी ने 20 लीटर, या किसी ने 100, किसी ने 800, किसी ने मतलब 10 पाई माइनिंग करके रखा है, या 10 लीटर उसको कही, तो इस तरह से बटा हुआ है। कितने कितने लाख, कितने बिलियन मिलियन लोगों में, 60 मिलियन लोगों में ये बट चुका है। और बटने के बाद भी यही नहीं रुका है, इन्होंने उस जो माइनिंग कर रखे हैं उसमें से, जिसने 10 पाई माइनिंग कर रखा है उसमें से 8 लीटर तेल को फिर दोबारा जमीन के अंदर गाड़ के रखे हैं 5 साल के लिए। इसी को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट या स्टेकिंग कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। वो लोग गाड़ के रखे कि हम इसको 2024 में भी नहीं खपत करेंगे, 2025 में भी नहीं करेंगे, 2026 में भी नहीं करेंगे, 2027 में भी नहीं करेंगे, केवल हम कितना करेंगे, केवल 2 पाई का ही खपत करेंगे। वो लोग गाड़ दिए हैं बाकी 8 को, केवल 2 ही पाई का, जिन्होंने 10 पाई माइनिंग करके रखा है उसमें से 8 पाई को लोग फिर दोबारा गाड़ दिए हैं जमीन के अंदर, या जो खादान होता है तेल का खादान है उसके अंदर डाल दिए हैं। और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि हम इसको 2024 में यूज नहीं करेंगे, 25 में भी नहीं यूज नहीं करेंगे, 26 में भी यूज नहीं करेंगे, केवल हम 2 पाई जो बच रहा है उसी का केवल यूज करेंगे, चाहे वो एक्सचेंज के माध्यम से विड्रॉ करना हो, चाहे इकोसिस्टम जो पाई नेटवर्क का 100 एप्लीकेशन है उसके माध्यम से विड्रॉ करने की सुविधा हो, ये दोनों में हम लोग खर्च करेंगे, केवल 2 पाई का इस्तेमाल करेंगे। अब इस 2 पाई का वैल्यू आप समझिए, डिमांड एंड सप्लाई का नियम यहां लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि विश्व में 80% पाई जो है माइनिंग मतलब लॉक में है, मतलब जमीन के अंदर गड़ चुका है, जो लोगों के पास है उसमें से 80% जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो 100 में से 20 पॉइंट को ही ना, केवल 20 पॉइंट ही ना एक्सचेंज में आएगा, तो इसका स्कैर्सिटी रहेगा कि नहीं रहेगा। जो लोग खरीदार आएंगे बाजार से, जैसे एलन मस्क को ही पाई की जरूरत होगी और वो चाहेंगे कि मैं, मुझे पाई चाहिए, और पाई के माध्यम से मैं अपने टेस्ला कंपनी हो या टेस्ला के माध्यम से जो कार मैं बेचता हूं उस कार को मैं पाई क्वाइन से बेचूं, उसके दिमाग में नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। और वो 20 पाई में से ही, या जो माइनिंग नहीं हुआ है उसको तो माइनिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, जो माइनिंग हुआ है 20% जो माइनिंग हुआ है उसी में से उसको खरीदना पड़ेगा, और भले ही बहुत धनवान व्यक्ति हैं, और जब वो खरीदेंगे तो वो 314,159 डॉलर में 1 पाई का वैल्यू रख के खरीदा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्कैर्सिटी रहेगा, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा। जिस चीज का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे कि सोना का दाम इतना क्यों है दुनिया में? इसलिए है क्योंकि वो बहुत रेयर धातु है, मिलता कम है। वही अगर जहां जाते रास्ता में सोना पड़ा रहता तो लोग उसका वैल्यू देते? कभी नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूं कि पाई जो है सोना है रे बाबू, इंटरनेट की दुनिया में पाई इज गोल्ड। एक पाई से आप 1 किलो सोना खरीद सकेंगे आने वाले समय में, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ ट्रूथ, क्योंकि इसका टोटल सप्लाई को आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसमें से कितना माइनिंग हुआ और कितना जो है फिक्स डिपॉजिट किया गया है, या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्टेकिंग कहा जाता है या लॉक कहा जाता है, 2 शब्द है, तो उसको लॉक करके रख दिया गया है कि हम 2024 में जो है विड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। मेरे पास 100 कॉइन है, 100 कॉइन में से मैंने 80 कॉइन को जो है अपना दिमाग में सेट करके रख दिया है कि 80 कॉइन को मैं 2030 तक छूंगा ही नहीं, केवल कितना करूंगा, 20 कॉइन का ही यूज करूंगा। कितने साल के अंदर? 5 साल, अभी 24 चला, 6 साल, 6 साल तक केवल मैं 20 कॉइन का ही इस्तेमाल करूंगा। और मैं ठान लिया हूं, इसी तरह 60 मिलियन लोग ठान लें तो क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक वैसे ही बढ़ेगा जैसे कि बिटकॉइन का रेट बढ़ा। बिटकॉइन का रेट भी इसलिए बढ़ा क्योंकि उसका स्कैर्सिटी है, उसमें क्रिएट किया गया है स्कैर्सिटी, बिटकॉइन का डिमांड बहुत हाई है, उसी तरह उससे ज्यादा डिमांड इसमें होगा ये लॉकअप सिस्टम की वजह से। लॉकअप पीरियड जो जितने भी पायनियर्स हैं उन्होंने अपने वैलेट में पड़े क्वाइन में से 80% को लॉकअप कर दिया है कि हम इसका इस्तेमाल 2024 में नहीं करेंगे, 25 में भी नहीं करेंगे, 26 में नहीं करेंगे, 27 में नहीं करेंगे, 28 में नहीं करेंगे, इस तरह करके उन्होंने डेट बढ़ा के रखा है और उसको गाड़ के रखा है, फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू बढ़ेगा और इसका कीमत बहुत हैवी होगा। पाई नेटवर्क का 314,159 डॉलर में अभी के दौर में 2021, 2022, 2023, 2024 ये 4 साल के अंदर इसका ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है। 314,159 डॉलर में लोग
इसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, मेननेट में लॉन्च होने से पहले ही ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड हो चुका है। मतलब ब्लॉकचेन, इसका ब्लॉकचेन को आप खोल के देख सकते हैं कि आज की किस वैलेट से इतना पाई 0.0000 पाई भेजा गया और उसने क्या लिया, ये तो यूट्यूब में दिख जाएगा या अन्य सोशल मीडिया में दिखेगा, आप देख सकते हैं, आप सर्च करके देखिए यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में या अन्य फेसबुक चैनलों में, सोशल मीडिया में देखिए इसके विषय में कि अभी गरीब से गरीब आदमी के पास पाई है और वो लोग आने वाले समय के अरबपति हैं। इसको कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा, ये विज्ञान का देन है, विज्ञान को आज तक कोई गधा नहीं रोक पाया, प्रधानमंत्री नहीं रोक पाया, राष्ट्रपति नहीं रोक पाया, तो जनता क्या रोकेगी? विज्ञान विज्ञान होता है, जो विज्ञान का सम्मान करना जानते हैं वो जीवन में असफल कभी कोई नहीं होगा। Those who are giving the value to the science, they will never live as a poor life. This is the word of Isaac. You know, Isaac is the father of physics, who has given about the theory of gravity and so many scientific things. And people have been doing research about science, and this is the part of science. Pi network is a complete science and art, both. Pi network dono hai, art bhi hai, science bhi hai. Yahan par do cheeze nazar aa raha hai mujhe. Aur jo bhi chahte hain 31 December 2024 ke baad unke ghar mein roji roti ya naukri ki kami na ho, to abhi bhi main request kar raha hu कि कम से कम अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले जेनरेशन के लिए एक पाई भी इकट्ठा करके रख लो। अभी भी रजिस्ट्रेशन करते साथ एक पाई मिलता है, कम से कम उससे ही रख लो और केवाईसी कर लो। इसमें केवाईसी का भी एक वार्निंग मैसेज आ चुका है कि जो लोग 180 दिन में अपना केवाईसी नहीं करेंगे उनका आईडी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो उसमें जितना भी माइनिंग माइंड पाई रहेगा वो खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बर्निंग क्रिप्टो करेंसी में, कि दुनिया में उसको बर्निंग कहा जाता है, वो बर्न कर दिया जाए, जला दिए जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं, वो पैसा था होगा उसको जला दिया जाएगा, जो लोग लिए और उस पर मन लगा के काम नहीं किए। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि वैसे लोगों का तो बर्न ही हो जाए, फालतू लोग इस प्लेटफॉर्म में ना आए, फालतू लोग एटम बम बनाने के में दिमाग ना लगाएं, फालतू लोग एरोप्लेन बनाने में दिमाग ना लगाएं, फालतू लोग साइंटिफिक रिसर्च करने में दिमाग ना लगाए, नहीं तो कपार में फटेगा परमाणु बम, बता दे E=mc2, आई नो हाइड्रोजन दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द हाइड्रोजन, आई नो, ओके, वी हैव द कैपेसिटी, आई एम अ टीचर, वी हैव द कैपेसिटी टू डेवलप द हाइड्रोजन बम, यू डू नॉट नो व्हाट वी आर, बट वी डोंट डू बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दैट इज द रीजन वी डोंट डू। अदरवाइज अगर मेरा दिमाग उसकी तरह रहता ना, क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाही प्रेसिडेंट की तरह, तो मैं आज ही परमाणु बम बनाता और उखाड़ देता कितने लोगों। ये मत समझना कि शिक्षक लोग बेवकूफ होते हैं और केवल जिनको मिनिस्टर बना बना के तुम लोग संसद में भेजते हो वही लोग होशियार आता है। वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, टीचर्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दिस इज चैलेंज। दोस हु आर नॉट एक्सेप्टिंग बाय नेटवर्क, नो, वो लोग आने वाले समय में भिखारी का भिखारी ही रहेंगे। 26 साल नौकरी के लिए पढ़ाई करेंगे, मतलब जिंदगी काट बर्बाद करेंगे। दे विल नॉट एक्सेप्ट द साइंस एंड आई डोंट बोदर दोस हु आर नॉट एक्सेप्टिंग, आई डोंट बोदर एंड आई डोंट केयर, स्पेशली द लीडर्स। वन हमारा एक यूनियन भी है जिसका नाम है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, इसमें 1004 लीडर हैं। ये लोग केवल पैसा इकट्ठा करके रखें लेकिन वो पैसा भी एक दिन डिस्ट्रॉय होगा, जैसे कि पाई कॉइन का डिस्ट्रॉय होगा ना, बर्निंग होगा, वैसे ही होगा आने वाले समय में। देखते रहिए, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि बाइबल भविष्य दिखाने का ग्रंथ है और उसने मुझे दिखा दिया है और आपको तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अब अंधे के अंदर रह जाइएगा, बहरे के बहरे घूंगे रह जाइएगा। तो इस वीडियो को मुझे पता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम नहीं देख श्रमिक संघ नहीं देखेगी, लेकिन जो भी लोग देखेंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन व्यक्तियों को शेयर करें जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ से ना जुड़ा हो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के व्यक्तियों को इस वीडियो को बिल्कुल शेयर ना करें, उस बच्चा को शेयर करें जो विज्ञान पर रुचि रखता है, उस व्यक्ति को शेयर करें मेरे वीडियो को जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उस व्यक्ति को शेयर करें जो जीवन भर नौकरी के लिए रो रहा है, अपने पापा का तड़प को उसने देखा है, नौकरी के लिए दूध लेके रुपया के लिए तरसा है, उस बच्चा को शेयर करिए, वो करेगा। लेकिन भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक यूनियन के लीडर्स लोग नहीं करेंगे, ना ही यहां के अधिकांश गधे लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग भी
पाई नेटवर्क से जुड़े हैं वो उनसे निवेदन करूंगा कि वो लोग उन लोगों को शेयर करें, क्या पता 31 दिसंबर के बाद उनका तकदीर बदल जाए, क्योंकि विज्ञान कुछ भी कर सकता है, यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग साइंस कैन डू। यहां तक कि आपका शक्कर का क्लोन बना सकता है विज्ञान, आपको पता ही नहीं, आप मर भी जाइएगा ना आपका शक्कर का आदमी घूमेगा धरती, आपको पता ही नहीं, इसलिए करो या मरो, मैं तो यही सुझाव दूंगा। तो थैंक यू। आगे देखें कि विभिन्न देशों में लोग 314,159 डॉलर में उसको आधार बनाकर लोग सब्जियां कैसे खरीद रहे हैं, एक जैसे हम लोग क्यूआर फोन पे के माध्यम से क्यूआर कोड में स्कैनिंग करते हैं और रुपया भेजते हैं, उसी तरह पाई को स्कैन करके लोग भेज रहे हैं और सब्जी अपने अपने घर में सब्जी दाल चावल आटा जूता साड़ी लिपस्टिक सब खरीद रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए, 251 देश इस काम को कर रहा है और चीन ने तो आंदोलन कर दिया है कि इसका वैल्यू 314,159 डॉलर होगा, इसलिए होगा क्योंकि पाई का आविष्कार चीन ने किया था, जैसे हम लोग जीरो का आविष्कार भारत ने किया है उसी तरह पाई का आविष्कार चीन ने किया था, और चीन ने चीन जिद्दी देश है, मुझे पता है वो करके दिखाएगा, जिद्दी देश ही कर सकता है ये सब काम करना। आगे देखें कि चीन के लोग, इंडोनेशिया के लोग, मलेशिया के लोग, रशिया के लोग, अमेरिका के लोग, इवन अफ्रीकन कंट्रीज के लोग, इवन हमारे अड़ोस पड़ोस के देश के लोग कैसे पाई नेटवर्क के पीछे पागल हैं और 314,159 डॉलर लॉन्चिंग होने से पहले ही ब्लॉकचेन में उसे बेस बनाकर सब्जियां खरीद रहे हैं, अंडा खरीद रहे हैं, मछली खरीद रहे हैं, बकरी खरीद रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत की चीजें होती है वो सारी चीजें खरीद रहे हैं, लोग रिचार्ज कर रहे हैं पाई से, उनके पास रुपया है नहीं, डॉलर भी नहीं, फिर भी रिचार्ज कर रहे हैं पाई से, ये है विज्ञान का देन। आगे देखें, मैं झूठ बोल रहा हूं तो देख। Right now and press the bell icon. Never miss an update.